हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कई सारे ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो बहुत ही यूज़फुल है और आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज का पहला टिप्स है कि जब हम टमाटर की प्यूरी बनाते हैं तो कई बार होता है कि हम मिक्सर में ग्राइंड करने के बजाय कद्दू क्रस कर देते हैं, तो इस तरह से टमाटर का छिलका रह जाता है। तो इसको फेंकने के बजाय आप इसको चेहरे पे लगा सकते हैं। थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए या फिर हल्दी पाउडर ले लीजिए। मुल्तानी मिट्टी भी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और गर्मी में तो बहुत ज़्यादा। गर्मी में स्किन डल पड़ जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, तो उसको चमकदार बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए आप मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए और टमाटर में लगा के और उसको स्किन पे हल्का हल्का मसाज कीजिए और फिर 10 मिनट या 5 मिनट रख के नॉर्मल वाटर से धो लीजिए। अगर मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो उसकी जगह थोड़ा सा हल्दी ले लीजिए। तो मैं हाथ पर लगा के आपको दिखाती हूँ कि एक बार में ही कैसे हाथ खूबसूरत हो जाता है, एकदम चमकदार हो जाती है। तो इस तरह से टमाटर के छिलके को फेंकने के बजाय छिलके को भी आप यूज़ में ले सकते हैं और 2 मिनट का काम है। इस तरह से आप मसाज कर लीजिए और अभी तो गर्मी का समय है तो 5 मिनट रखेंगे, उसी में ये सूख जाती है। तो 5 मिनट के लिए इसको मैं रहने दूंगी और उसके बाद जैसे ही सूख जाएगी तो मैं इसको ठंडे पानी से धो लूँगी। सप्ताह में 2 बार या 3 बार इस तरह से आप लगाएंगे तो आपका हाथ और फेस भी बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगी, जो स्किन डल पड़ जाती है उसमें एकदम निखार आ जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। अगला मैं जो ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ उसके लिए आपको ले लेना है किसी भी डब्बे का ढक्कन। तो ये मेरे पास एक छोटा सा डब्बा पड़ा हुआ था तो उसका मैं ढक्कन ले ली हूँ। आपके पास अगर जैसे मिठाई हम लेकर आते हैं तो उसके भी डब्बे का ढक्कन होता है, वो भी आप ले सकते हैं। तो आप चाहे तो इसको काट सकते हैं ऐसे अगर डिज़ाइन बना हुआ है ढक्कन में, तो नहीं तो इसको रख सकते हैं, इसमें हल्का सा होल कर देंगे तो ये आप कील में भी इसको टांग सकते हैं जो ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। तो अब ले लेना है हमें चाकू ले लीजिए या फिर कटर ले लीजिए। कटर से बहुत अच्छे से कट जाती है और चाकू से थोड़ा सा मुश्किल होता है कट करने में। चाकू से अगर आप कट करते हैं तो आपको चाकू को गर्म करना पड़ेगा और कटर से गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बहुत आसानी से कट जाती है। तो इसको इस तरह से कट करना है, पूरी तरह से कट करके नहीं हटाना है, एक तरफ से ज्वाइंट ही रखनी है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैं कट कर रही हूँ, तो जितनी मर्जी है आपको ऐसे कट कर लेना है, 4, 5, 6 आपको जितना भी मर्जी है कट कर लीजिए, पर बीच में नहीं कट कीजिएगा। ये मैं बना रही हूँ की को जो टांगते हैं ना वो वाला। हम मार्केट से महंगे महंगे खरीद कर लेकर आते हैं, चाहे तो इस तरह से बेकार खाली पड़े डब्बों के ढक्कन से भी बना सकते हैं। जब जुगाड़ से काम चल सकता है तो हर चीज़ के लिए पैसे खर्च करना सही नहीं रहता है। तो इस तरह से ढक्कन ले लीजिए और ये देखने में बुरा भी नहीं लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है बनने के बाद। आप देखिएगा कि ये कितना प्यारा लगता है। तो इस तरह से मैं 4 कट की हूँ, इतने में ही कितने सारे चाबी रिंग इसमें आ सकते हैं। तो अब हमें ले लेना है डबल टेप और डबल टेप को दूसरी तरफ से उल्टे तरफ से लगा देना है। इसीलिए मैं बोली थी कि वो जो डिज़ाइन बना हुआ है ढक्कन में, आप चाहें तो उसमें हल्का सा होल कर दीजिए तो आप कील भी लगा सकते हैं, पर कील की जगह मैं यहाँ पर लगा रही हूँ डबल टेप। तो डबल टेप लगा के और दीवार में इसको चिपका दिया है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो ये सूख जाती है, बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। चाहे कितना भी आप चाबी रिंग इसमें लगाएंगे वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। तो घर में कितने सारे की होते हैं, जैसे गेट का हो गया, कबट का हो गया, गाड़ी की हो गई, तो आप सारे की को ऐसे रख सकते हैं जिससे कि आसानी से किसी को भी मिल जाए, कहीं पर भी जाना है तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से की सामने में मिल जाएगी। और ये देखने में भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। आप चाहे तो 2-4 और भी लगा सकते हैं जो डबल टेप होती है वो, ताकि ये मजबूती से उसमें टिकी रहे, गिरे नहीं। तो ये बनके तैयार है ऑर्गेनाइज़र और ये कितना प्यारा लग रहा है। आपको अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अगला टिप शेयर करती हूँ। डोरमेट तो हम सभी रखते हैं, पर जब डोरमेट पुरानी हो जाती है तो हम उसे फेंक देते हैं क्योंकि ये देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो आज मैं आपके साथ ऐसा टिप शेयर करूंगी जिससे कि आप पुराने से पुराने डोरमेट को कुछ ही मिनटों में बिल्कुल नया बना सकते हैं। हर चीज़ को फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें पैसे लगे रहते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हम यूज़ कर सके यूज़ कर ले, उसके बाद जब वो काम का ना रहे तभी फेंकना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा डोरमेट जो है वो पुराना
पुराना हो गया है, तो अभी भी हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको नया बनाना है तो उसके लिए आप ले लीजिए पिल्लो कवर। बहुत सारे घर में पिल्लो कवर ऐसे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि बेडशीट तो फट जाती है पर पिल्लो कवर नहीं फटती है, तो वो कई सारे घर में पड़े रहते हैं। तो आप इस तरह से पुरानी पिल्लो कवर आप ले लीजिए और लेके, और इसमें आपको डोरमेट को रख देना है, जो डोरमेट बिल्कुल पुरानी हो गई है, जिसे आप नहीं रखना चाहते हैं कि ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पिल्लो कवर के अंदर इसको रख दीजिए। और रखने के बाद आप जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा पिल्लो का, उसको आपको फोल्ड कर देना है, फोल्ड करके और टाके लगा दीजिए, यानी सिलाई लगा दीजिए, और आप देखेंगे कि ये बहुत ही प्यारा बन जाता है डोरमेट, देखने में कितना सुंदर लगता है, और ज़्यादा तामझाम भी नहीं है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगती है। तो ये देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा है, इसको इस तरह से आप हाथ से भी सिलाई लगा सकते हैं, अगर सिलाई मशीन है तो उससे लगा दीजिए, नहीं तो हाथ से भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी आपके पास पुराने डोरमेट हैं, आप उसको पिल्लो कवर में रख के और बस सिलाई लगा दीजिए, और पिल्लो कवर के चारों तरफ डिज़ाइन बनी हुई रहती है, उसकी सिलाई इस तरह से की जाती है कि वो देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो कोई तामझाम नहीं है, ना ही समय लगती है, और आप पुराने से पुराने डोरमेट को मिनटों में ही नया बना सकते हैं, और उसके बाद जब आप इसे गेट पर रखेंगे तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी, पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगला टिप शेयर करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम मॉर्निंग में दूध तो ले लेते हैं, जब दूध वाले भैया आते हैं दूध ले लेते हैं, पर उसे बॉयल तुरंत ना करके रख देते हैं कि हम थोड़ी देर बाद उसको बॉयल करेंगे, और फिर दिमाग से निकल जाती है, और जब बॉयल करते हैं तो दूध वो फट जाती है। दूध अभी बहुत ज़्यादा महंगा आ रहा है, तो अगर फट गई तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, बुरा लगता है कि वो बर्बाद हो गई दूध। तो उसके लिए मैं यहाँ पर छोटा सा उपाय बताऊँगी, जिससे कि सुबह का दूध अगर आप शाम को भी बॉयल करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं फटेगी। होता है कुछ लोगों के पास फ्रिज नहीं होती है, या फिर फ्रिज है तो लाइट नहीं है, और दूध हम बॉयल करना भूल गए, और कई बार तो बॉयल किया हुआ दूध भी फट जाती है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं टिप्स बता रही हूँ कि आप ले लें थोड़ा सा सरसों का तेल, आपको ज़्यादा नहीं डालना है, बस 2 से 3 ड्रॉप्स आपको सरसों का तेल डालना है, और डाल के और दूध में मिक्स कर दीजिए। 1 लीटर दूध हो या 2 लीटर दूध हो, 2 लीटर अगर है तो उसमें 3-4 बूंद रख दीजिए, अगर 1 लीटर है तो उसमें आप 2 ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं, और उसको अच्छे से आपको मिक्स कर देना है। और अगर आपको लग रहा होगा कि सरसों तेल की स्मेल आ जाएगी, तो स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है, ये बॉयल होने के बाद इसकी स्मेल पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो इस तरह से अगर दूध को आप रखते हैं ना, तो सुबह की दूध शाम को भी बॉयल करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं फटेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप्स पसंद आए होंगे, और बाकी के टिप्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।